सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडीडी व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद कैमरा लेके माइक लेके सेटअप फुल तैयार है और वीडियो के लिए हम चालू है, जारी है। मैंने इसमें वीडियो बनाया था बट अपलोड नहीं कर पाया, एडिटिंग मतलब मज़ा नहीं आया एडिटिंग में। दो तीन वीडियो मैंने शूट किए थे लेकिन बाद में ऐसा मूड नहीं आया वो अपलोड करने के लिए, इसलिए मैंने जाने दे बुला नहीं करते। तो आज एक ऐसा मौका है वीडियो बनाने के लिए, सेल्स चालू है बहुत, और उसी काइंड ऑफ अ सेल में मेरे सिस्टर ने उसके लिए एक हेडफोन्स परचेस किया है जो कि है बोट के रॉकर्स 550। मैंने पहले लास्ट ईयर मैंने रिव्यू किया था 440 रॉकर्स जो इसका पिछला वर्जन है उसके, और ये साल अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये रॉकर्स 450 के। तो आइए शुरू नहीं, अनबॉक्सिंग देखते हैं। शुरू तो टेक्निकल गुरु जी का डायलॉग है। जैसे कि अभी आप लोग ने अनबॉक्सिंग तो देख ली, अनबॉक्सिंग भी मेरे सिस्टर ने की है क्योंकि उसके हेडफोन से, तो उसको खुद अनबॉक्सिंग करने का था। बोले ठीक है तू कर, बट मुझे रिव्यू के लिए कुछ घंटों के लिए तो मुझे ये हेडफोन्स चाहिए। वैसे मैंने थोड़ा यूज़ किया है हेडफोन्स, एक नंबर, मतलब रॉकर जो हमारे रॉकर्स 440 थे उससे तो बहुत मतलब अच्छा लगा क्योंकि अपग्रेड तो बहुत हुआ है। ऑफकोर्स ये नेक्स्ट वर्जन है रॉकर्स 440 का, तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत चेंजेस है। तो फर्स्ट मोस्टली जो चेंज मुझे लगा है वो इसके हेड बैंड में, जो कि रॉकर्स 450 में कार्बन या हार्ड मटेरियल का था ऊपर से और नीचे कुशन दिया था वो भी रबर का, बट इसमें आप जैसे कि देख रहे हो ये पूरा जो रेड कलर का है वो कुशन है, जो हमारे ईयर कप्स होते हैं सेम वही मटेरियल अंदर कुशन है इसके, और ऊपर लेदर का फिनिशिंग है और यहाँ पे ऊपर बोट की ब्रांडिंग दी हुई है रेड कलर में, जो कि कूल लग रहा है। बट ये हेडफोन में जो मिलता है आपको है कम्फर्ट। कम्फर्ट के लिए हेडफोन में भी बहुत पॉपुलर हो सकते है क्योंकि इसमें जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। आप जब हेडफोन्स पहनते हैं ऐसा लगता भी नहीं कि आपने हेडफोन्स पिया है, ईयर्स को कुछ भी इरिटेशन नहीं होती है क्योंकि इसके जो ईयर कप्स दिख रहे हैं इतने बड़े हैं, और जो हमारे रॉकर्स 440 के थे वो राउंड में थे और इसके ये ओवल शेप में, तो पूरा कान, ये जो अपना कान है वो इसके अंदर बिट है और आराम से कुछ तकलीफ़ नहीं होती है। लॉन्ग टाइम आप ये हेडफोन्स पहन सकते हैं, जो कि रॉकर्स 440 में मैंने बताया था वीडियो में मेरे कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत इरिटेशन होता था कभी कभी, मतलब जो मैं एडिटिंग करता था तभी कभी हेडेक भी होता था, बट ये हेडफोन से मैंने तो इतना नहीं पहना, बट मेरे जो जिसने परचेस किया मेरे बहन ने उसने पहना और बोली कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, आराम से मस्त कम्फर्ट, कुछ किधर भी छुपता नहीं है जैसे कि रॉकर्स 450 छुपते थे, यानी इरिटेशन होता था।
इसमें तो कुछ भी इरिटेशन नहीं होता। इसके साउंड क्वालिटी की बात करूं तो जो रॉकर्स 450 है 440 है उससे 430 440 या 430 में बार बार वो रॉकर्स 430 में कंफ्यूज हो रहा हो तो थोड़ा देख लीजिए। 430 440 जो भी है जो पहला वाला, अगर वो आपने रिव्यू नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके देखिए। बट ये वीडियो देखने के बाद उसका जो कम्फर्ट है, इसका कम्फर्ट बहुत डिफरेंट है, वो थोड़े इरिटेशन होते थे, ये बहुत ही कम्फर्टेबल है। और जो साउंड क्वालिटी में बात कर रहा था, जो साउंड क्वालिटी है रॉकर्स 430 की, मुझे पर्सनली पसंद है ये, क्योंकि उसमें बेस बहुत है। इसमें इतना बेस नहीं है बट इसमें जो रिलिक्स रहते हैं गानों के वो बहुत अच्छे से, और बहुत रिलीज की जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी है, रिलीज बहुत अच्छे से सुनने आते हैं। अगर आप सिंगिंग करते हो या फिर रिलिक्स आपको बहुत पसंद है, मेरे को तो स्पेशली बीट्स और जो म्यूजिक रहती है वो बहुत पसंद है, मेरे को वो अच्छा लगता है। बट मैं भी अभी इसका फ़ैन हो गया हूँ। ओरिजिनल प्राइस समथिंग मैंने देखा था, अभी मुझे याद नहीं है, प्रॉक्स में 4000 कुछ पे था, बट जो अभी अमेजोन पे सेल्स बिल रहते हैं उसमें मेरे सिस्टर ने ये 1900 के आसपास खरीद परचेस किया था। और मुझे बोट की ये अच्छी बात लगती है, मैंने हर वीडियो में कहा है कि इसका रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है 1 ईयर की, बहुत अच्छा। इतना एक्सपेंसिव लेने का एक फ़ायदा होता है कि रिप्लेसमेंट की वारंटी मिलती है, तो एक मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए जो भी मुझे पूछते हैं कि कौन सा ईयरफोन्स ले या हेडफोन्स ले, मैं बोट का ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अच्छा रहता है और रिप्लेसमेंट वारंटी अच्छी रहती है। और इसमें एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, जैसे हमारे 440 पूरा कॉम्पैक्ट होता था, बैक पैक में आराम से रखते थे, कोई भी छोटी भी जगह रहेगी ना उसमें आराम से वो फिट आ जाते थे। बट ये वाले वो कॉम्पैक्ट नहीं है, इसको बस ये टिल्ट होता है ऐसा, लाइक दिस, ये बस टिल्ट होता है तो ये फ्लैट हो जाता है। तो हम बैग में रखना चाहते हैं तो ऐसे रखते थे। अभी मैं कॉलेज के लिए भी यूज़ करता था, कॉलेज जाते समय कभी कभी ट्रेन में, बस क्या रहता है ट्रेन में तो है गाना सुनना और वीडियोस देखना, वही है। वो बहुत कॉम्पैक्ट है, वो आराम से बैग में फोल्डेबल इजीली आते थे। बट ये मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है बैग में डालने के लिए। तो बाकी इसका जो यूज़ है, उसका जो मतलब कम्फर्ट है, वो बहुत मतलब बहुत अच्छा है। अभी बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। जैसे कि आप भी सोच रहे होंगे, ये जो डिज़ाइन दिख रही है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे उन्होंने जो हमारा स्पीकर ग्रिल रहते हैं ना, रफ सरफेस, वो मटेरियल है यहाँ पे। और उसके ऊपर पे जो आप देख रहे हैं वो है स्पीकर का जो ग्रिल मटेरियल रहता है वो है, और उसके ऊपर ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन एक नंबर, बस इतना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत है ये। जो कि हमारे 440 थे, 430 या 440 में बार बार कंफ्यूज है, उसमें संभल रहना आप, बहुत प्रीमियम थे, मैट फिनिश था एकदम स्मूथ। तो वो इसमें बस ये जो प्लास्टिक का ये है वहाँ पे बस स्मूथ है, बाकी यहाँ पे जो देख रहे हैं आप मस्त एक नंबर। और बीच में बोट की ब्रांडिंग है। कलर का कप्स है, उसकी मैं बात करने जाऊँ तो वो 440 के थे तो फुल राउंड थे, और ये ओवल शेप में है, बट इसमें थोड़ा सा टिल्ट है, जो कि हमारे ईयर के हिसाब से, हमारा जो ईयर है वो स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है बैकवर्ड। तो सेम यहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं टिल्ट है थोड़ा बैकवर्ड, तो कंफर्ट में तो वही एक नंबर है। और यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट इंडिकेशन दिया है, ऐसे कुछ दिखते हैं कानों पे लगाने के बाद, फुल कंफर्ट में है। और स्पेशली अभी मेरे लेने के बाद मुझे एक फटक से एक पॉइंट इसका याद है, ये है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, फिजिकल एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बोलते हैं कि निकल दो क्योंकि मुझे मेरा आवाज़ थोड़ा सा, हाँ। तो इसमें है एक एक्टिव फिजिकल नॉइस कैंसिलेशन, जो कि मतलब हम पहनते हैं तो बाहर की जो आवाज़ होती है वो कम होती है, पूरी तरह से मिट नहीं जाती है, कम होती है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन से एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, तो एक सर्टन हाइट के ऊपर जाने के बाद हमारे कानों में ब्लॉकेज जैसा होता है, एयर पकड़ जाती है, वो सम प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके लिए ये ठीक ठाक काम करेगा, पूरा तो नहीं करेगा, जो बड़े बड़े हेडफोन्स होते हैं उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक नॉइस कैंसिलेशन कुछ तो बोलते हैं, उसका बटन होता है साइड में, वो प्रेस करने के बाद पूरा एयर जो होता है वो सक करते हैं वैक्यूम के तरह। हर का जो प्रेशर होता है और अंदर का प्रेशर डिफरेंट होता है, तो जो एयर प्रेशर होता है एयरक्राफ्ट बहुत ऊपर जाने पर वो नहीं होता है, और हेडेक उससे नहीं होता है। लॉन्ग फ्लाइट में ये ज़्यादातर होता है, शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट में नहीं होता है। तो ये एक है, इसे फिजिकल नॉइस कैंसिलेशन बोलते हैं, और इसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक नॉइस कैंसिलेशन बोलते हैं। डोंट कोट मी ऑन डैट, आपको मालूम नहीं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मुझे बस एक पॉइंट अभी क्लिक हुआ। और जैसा कि ये सेम बॉक्स है,
बस थोड़ी अलग पैकिंग की है, थोड़ा डिज़ाइन चेंज हुआ है, रेड थीम है और इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है आई गेस, तो ये रेड है इसलिए बॉक्स रेड था। और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 500 mAh है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 आवर्स प्लेबैक देता है जैसे कि यहाँ पे देखा है, ये कॉमन है मेरे वो वाले हेडफोन्स जो 440 थे उसमें भी थे। एंड अप्रोक्सीमेटली 2 hours का चार्जिंग लेता है, बट हमने एक बार टेस्ट किया तो 1 hour 30-40 minutes में चार्ज हुआ था। आई थिंक तभी 20% बैटरी थी हेडफोन्स में और तभी हम लोग ने चार्जिंग पे लगाया था, तो ऑफकोर्स 2 hours में चार्जिंग होगी ऐसा लगता है। बॉक्स के अंदर वही कंटेंट आते हैं, एक अपना चार्जिंग केबल और एक ऑक्स केबल जो कि वायरलेस भी होता है, वायर के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने जो नोटिस किया है ये मोस्ट ऑफ द हेडफोन्स में जो कि वायरलेस और वायर्ड भी आते हैं कि अगर आपके हेडफोन्स में थोड़ी सी बैटरी हो तो ही वायर के साथ चलते हैं, अगर पूरा हेडफोन्स की बैटरी ड्रेन होगी रहेगी तो वायर्ड आप लगाते हैं तो नहीं साउंड आता है। 430 के साथ ये मेरा बहुत बार हुआ है, मैं डर गया था कि हेडफोन्स ख़राब हुआ, लेकिन मैं चार्जिंग को लगाया बाद में, ब्लूटूथ चालू किया तो चल रहा था, ऑक्स केबल लगा के रखा तो भी चल रहा था। अभी इसका मुझे ऑक्स केबल का मालूम नहीं अभी तक, इसका भी मैं ट्राई करता हूँ एक बार पूरा ड्रेन होने के बाद, बैटरी ड्रेन होने के बाद मैं आपको वो बता दूंगा। एंड मेरे तरफ से तो ये हेडफोन्स बहुत अच्छे लगे मुझे, आपको अगर बाय करना हो तो बाय कर सकते हैं आप, मेरे तरफ से तो आपको इजाज़त है बाइक करने की, इजाज़त यानी मैं रिकमेंड करता हूँ ये बाइक करने के लिए। बट मैं एक बोलूँगा कि अमेजोन पे सेल और जब भी रहते हैं ना तभी बाइक करो, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 4000 इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो डील्स देखिए, अगर आपको अच्छी डील मिलती है तो फटाक से लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा है हेडफोन्स। बेस्ट पार्ट तो इसमें एक एडिशनल फंक्शन है जो कि मैंने आपको बताया, फिजिकल नॉइज़ कैंसिलेशन, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। बाकी लुक में भी अच्छा है, एक नंबर फुल, बस आपको थोड़ी ट्रैवलिंग के टाइम केयर करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसा टर्न होता है, मतलब कॉम्पैक्ट यही है इसमें, तो मुझे ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा क्योंकि कैरी करने में ट्रैवलिंग के टाइम बहुत दिक्कत हो सकती है या फिर आपको गले में डाल के ट्रैवल करना पड़ेगा। तो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द सिंग्स इन माय नेक्स्ट वन टीम, बाय बाय, टेक केयर, पार, दिस इज साइनिंग ऑफ।